आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इलेक्शंस के ऊपर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वोटिंग का माहौल है और हर जगह इलेक्शंस को लेकर बहुत ज़्यादा गियर्ड अप सिचुएशंस हैं। कंट्री के बेसिक बेसिक जो एरियाज हैं जहाँ पर वोटिंग होनी है, वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो अलग ही लेवल पर एक्सिक्यूट हो रहा है। सबसे पहले इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अवेयरनेस के माध्यम से चीज़ों को थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चीज़ों को एक्सिक्यूट नहीं करते, वोटिंग नहीं करते, अपना वोट नहीं देते, मतदान नहीं देते, वोटिंग बूथ तक नहीं जाते उनका नाम होने के बाद भी। ज़रा चर्चा करते हैं कि बेसिकली ऐसी चीज़ें क्या हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। मुख्यतः अगर सबसे पहले इस पर दृष्टि डालें तो हमें दिखाई पड़ता है कि एक वोटिंग जो प्रोसेस है ये क्या है, बेसिकली ये आया कहाँ से। तो हम सभी जानते हैं इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी लोकतांत्रिक वे में सरकार काम करती है, और इस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है जिसको हम वोटिंग्स कहते हैं। बेसिकली वोटिंग एक मैकेनिज्म है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पॉपुलेशन यानी जो पब्लिक है इंटायर कंट्री की, वो डिसाइड करती है कि एक व्यक्ति कैसा रिप्रेजेंटेटिव जो उस लेवल पर जाता है जो इंटायर कंट्री को गवर्न करता है। ये एक मैकेनिज्म है, ये सुंदरता है डेमोक्रेटिक की, कि उस लेवल से उठा करके एक बड़े लेवल पर लेकर जाना और तब पूरे इंटायर कंट्री को गवर्न करना, ये एक मैकेनिज्म लेकर आती है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। पर बेसिकली चीज़ क्या है, बेसिकली मुख्य उद्देश्य क्या है इस पर्टिकुलर चीज़ का, और क्या चीज़ हो रही है, इसमें बहुत बड़ा गैप है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कुछ नॉर्म्स के साथ आती है, कुछ बेसिक पैरामीटर्स के साथ आती है, जो ये दर्शाता है कि वो पैरामीटर्स के अंदर अगर कोई चीज़ एक्सिक्यूट करी जाए तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगी। लेकिन पॉपुलेशन जो है वो कुछ अलग ही तरीके से चीज़ें एक्सिक्यूट करने की वजह से जो ये नॉर्म्स बने हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के, उसको ख़राब करने का प्रयास करती है। ज़रा इस पर दृष्टि डाल लेते हैं कि वोटिंग मैकेनिज्म समझ लिया है, वोटिंग जान ली है, वोटिंग के पीछे कारण क्या है, क्या कारण है कि हमें वोटिंग्स इस प्रकार से करानी पड़ती हैं और चीज़ों को एक्सिक्यूट करना पड़ता है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि लोकतांत्रिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी सरकार जो भी इनिशिएटिव ले रही है उसमें सीधे सीधा पब्लिक का इंटरफेयर है, इसीलिए हमें वोटिंग्स का सहारा लेना पड़ता है। वोटिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जो बहुत ज़्यादा निचले स्तर से भी एक व्यक्ति को उठाकर एक बहुत बड़े लेवल पर ले जाता है, और जिससे अगर उसके अंदर एक भावना है, एक समर्पण है अपने समाज के प्रति, तो एक बहुत अच्छा काम कर सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ये मैकेनिज्म है, ये कुछ नॉर्म्स के साथ आता है, कुछ पैरामीटर्स के साथ आता है, पर ड्यू टू रीजनैलिटी, ड्यू टू कास्टिज्म, हम इन सब चीज़ों को तोड़ देते हैं और एक पर्टिकुलर चीज़ या एक पर्टिकुलर मार्केट के जो उसका सेगमेंट है उसे डराइव्ड होकर डिसीजंस ले लेते हैं। तो मुख्यतः मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का यही है कि एक अवेयरनेस के माध्यम से हम ये जान सकें कि हमारा वोट कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इस वोट के पीछे अगर हम मतदान दे रहे हैं तो इसके पीछे कारण या इसके पीछे इसका जो महत्वपूर्ण मैं कहूँ सार है वो क्या है। या फिर अगर कई बार हम ऐसा मुख्यतः सुनते हैं सोसाइटी में, लोग कहते हैं कि अगर हम वोट नहीं देंगे एक से तो क्या हो जाएगा। हालांकि आपको पता नहीं होगा, एक वोट से भी बहुत ज़्यादा एक बड़ा चेंज आ सकता है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। यानी एक एक वोट से एक पार्टी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक या बहुत ज़्यादा दूर तक एक बहुत लंबा या मैं कहूँ एक बहुत लॉन्ग स्पैन लेकर के एक पर्टिकुलर एरिया या इंटायर कंट्री में जीत जाती है। लेकिन यहाँ पर बेसिक कोई पैरामीटर्स या बेसिक पार्टीज की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात अवेयरनेस की हो रही है, यहाँ बात मतदान देने की हो रही है। अगर हम कंट्री लेवल पर देखें तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है, जितने भी रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, जितने भी रजिस्टर्ड कमीशन के द्वारा निकाले गए पीपल हैं जो कि वोट देने जाएंगे, और जितने लोग वोटिंग बूथ तक पहुँचते हैं उनमें और जो लोग रजिस्टर्ड थे, एक बहुत बड़ा गैप दिखाई पड़ता है। कमीशन की एक रिपोर्ट है और पिछले कुछ समय से कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं, अगर आप सर्वेज देखते हैं तो ये बताते हैं कि जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं, ये इलेक्शन कमीशन ने उनकी वोटिंग लिस्ट जारी करी है, उसमें से बहुत ही कम, यानी मैं कहूँ कि बहुत ही एक लिमिटेड पर्सन ही बूथ तक जा रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं।
अब इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण तो रूरल एरियाज है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वहाँ की जो सेगमेंट है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, उसमें महिलाओं को या जो ऐसे बच्चे हैं जो 18 अभी अभी प्लस कर उन्होंने कंप्लीट करा है और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उनको फुलफिल किया है, उसको हम नहीं भेजते हैं, मुख्यतः रोकने का प्रयास करते हैं। कारण बहुत सारे हैं, उस पर चर्चा किसी और विषय पर करेंगे, लेकिन मुख्यतः बात यह है कि हम इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को जानें कि जो हमारा वोट है वो कितना महत्वपूर्ण है, और इस वोट से हम इस इंटायर कंट्री की खूबसूरती यानी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में एक योगदान दे सकते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण सार भी निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि वोटिंग को लेकर हम अगर गियर्ड अप नहीं है, हम चीज़ों को नहीं जान पाते या हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो हम अपने बगल में या अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में अगर हमारे पास कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो मदद कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल एनजीओज हैं, और आप जानते हैं कि उस दिन गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी काम करते हैं, बहुत सारे लीडर्स भी काम करते हैं, और गवर्नमेंट कुछ इस प्रकार के लोगों को भी आवंटित करती है जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड हैं या किसी प्रकार से वोटिंग बूथ तक नहीं पहुँच सकते, उनको पहुँचाने का प्रयास करती है। लेकिन वहाँ से जो सेगमेंट प्रोवाइड करा जा रहा है और जो इंडिविजुअल हम उठ करके आगे जाएंगे, इसमें एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, एक बहुत बड़ा मैं कहूँ कि हमें एक गैप दिखाई पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा किया जाने वाला इनिशिएटिव बहुत हद तक ही, बहुत कम हद तक ही हमें अफेक्ट कर पाएगा एज़ कम्पेयर टू जब हम खुद जाग जाते हैं। तो वोटिंग का क्या महत्व है, वोटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, सब चीज़ें हम जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन फिर भी ड्यू टू मैनी ऑफ द रीजन उस दिन हम छुट्टी मनाते हैं, उस दिन हमें लगता है कि एक छुट्टी है लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, और जो भी काम है, जैसे भी काम है, उन सबको छोड़कर कृपया वोटिंग बूथ तक जाकर अपना वोट अवश्य दें। और एक चीज़ मैं इसमें और जोड़ दूँ कि बेसिकली होता क्या है, जब भी हम वोटिंग दे रहे होते हैं, जब भी हम वोट दे रहे होते हैं, उससे कुछ दिनों पहले हम एक परसेप्शन, एक ओपिनियन बनाते हैं कि हमें वोट किसको देना है। लेकिन इसमें एक बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट है, वो ये है कि एक जेंटलमैन और एक डिराइव्ड पर्सन, जो मार्केट से डिराइव्ड हो रहा है, उसके बीच में डिफरेंस क्या है। एक जेंटलमैन यानी एक ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को समझता है, देखता है, एनालिसिस करता है, वो हमेशा मार्केट के चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद ही एक ओपिनियन पर आता है और तब एक्सिक्यूट करता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार्केट के फ्लो को, इस फ्लो से डिराइव्ड होकर डिसीजंस ले लेते हैं, तो उनसे बचने का प्रयास करिए। जो कास्टिज्म है, जो रीजनलिज्म है, इन सबसे हट करके जो परसेप्शन क्रिएट करना है, जो डेवलपमेंट हुआ है, ये जो बेसिक चीज़ें आपको लगती हैं कि हाँ ऐसी ऐसी होनी चाहिए, उस राष्ट्र के लेवल पर, एक किसी छोटे लेवल पर नहीं, एरिया के लेवल पर नहीं, कल्चर के लेवल पर नहीं, कास्ट के लेवल पर नहीं, या किसी को देखकर कोई भी किसी प्रकार की सिमिलैरिटी है उसके लेवल पर नहीं, राष्ट्र के लेवल पर सोचे कि क्या इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए या नहीं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हो सकता है। दूसरा, हम सभी इस बात को जानते हैं कि इंटायर कंट्री में जो वोटिंग है वो स्टार्ट हो गई है, लेकिन बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं जो वोटिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाते, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जो लोग आगे आ सकते हैं या इन सब चीज़ों में योगदान दे सकते हैं, वो अवश्य इस रूप में आगे आएँ। और ऐसा नहीं है कि आप फिज़िकली मदद कर सकते हैं, आप डिजिटली मदद कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं, या जो रूट्स हैं हमारे बेसिकली उस एरियाज़ के, उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं पहले ही, मैपिंग करके बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती हैं, जिससे जो लोग देना चाहते हैं वोट या थोड़ा थोड़ा उनके मन में ऐसा होता है, तो उससे थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी और पूरी संभावना है कि वो लोग वोट देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस में, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म में आप अपना योगदान भरपूर रूप से देंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।